आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मैं सात ऐसी चीजें जो कि आपको डिलीवरी के बाद में जरूर जरूरत पड़ने वाली है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर अभी तक आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो जल्दी से आप ये लिस्ट बना के परचेस कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो इन चीजों को आप मंगा सकते हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपके पास में ऑलरेडी हो। सो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज है, दैट इज सैनिटरी पैड्स। डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग जो है काफी ज्यादा होती है, फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और ऑलमोस्ट 1 मंथ तक जो है वो ब्लीडिंग होती है। दैट्स वाई एक अच्छी क्वालिटी का जो आफ्टर डिलीवरी वाले पैड्स आते हैं, आप उनको परचेस कर लीजिए डिलीवरी होने से पहले ही, जैसे कि जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल कर सकें और आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी। जो दूसरी चीज है वो है जो ब्रेस्ट पंप आता है, जिसकी वजह से आप मिल्क को एक्सप्रेस करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अगर अगर जरूरत पड़े तो कोई और भी बच्चे को बॉटल से फीड करा सकता है। सो इसीलिए ब्रेस्ट पंप के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाए हैं मेरे मेन चैनल पे, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उनको मैंने अच्छे से रिव्यू करके बताया है कि कौन सा पंप सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ब्रेस्ट पंप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या होता है, जो लेडी है उसके बैक में बहुत पेन होता है, अच्छे से वो बैठ नहीं पाती है, काफी डिस्कम्फर्ट रहता है काफी चीजों में। तो इसी वजह से शुरुआत के समय में लेडी को दूध पिलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब शुरुआत से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का 1.5 महीना, उसमें भी बच्चे को रात को बार बार उठ के दूध पिलाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में आप अगर एक्सप्रेस करके दूध रख देंगे तो कोई और आपकी जगह पे उस दूध को बॉटल में डाल के या चम्मच कटोरी की हेल्प से पिला सकता है। अभी दूध को स्टोर करना है, फ्रिज में करना है, गर्म करना है, इसके ऊपर भी मैंने मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया है, तो जाके एक बार वहां पे चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज है, दैट इज एक अच्छा सा पिलो, एक कंफर्टेबल सा पिलो। पिलोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पिलोज की कई भूमिकाएं होती हैं, एक सोने के लिए, और यहाँ पे एक जो पिलो है उसकी भूमिका रहेगी बच्चे को दूध पिलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं फीडिंग पिलो। तो फीडिंग पिलो पे दूध पिलाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली बच्चे को गोदी में रखते हैं तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता वो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। ऐसे में अगर आप एक फीडिंग पिलो का सहारा लेते हैं तो इससे आप भी एक अच्छे पॉस्चर में बच्चे को दूध पिला सकते हैं, और बच्चा भी आसानी से आराम से पेट भर के दूध पी सकता है। इसे बच्चे को और माँ को दोनों को ही काफी ज्यादा कंफर्ट रहता है। जो फोर्थ चीज है, दैट इज नर्सिंग पैड्स। तो बेसिकली क्या होता क्या है, तो डिलीवरी के बाद में जो माँ का दूध आता है वो कई बार बहुत ज्यादा आता है, शुरुआत के समय में बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, जितना बच्चा दूध पीने के बाद भी कई बार ज्यादा हैवी फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो गंदे गीले हो जाते हैं, जैसे क्या है ना, लेडी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। सो उस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप नर्सिंग पैड्स ले सकते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सस्ते आते हैं ये, अमेजोन वगैरह पे और आराम से अवेलेबल रहते हैं। सो इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो आपको डिस्कम्फर्ट होता है ज्यादा ओवर फ्लो मिल्क की वजह से, वो आपको नहीं होगा, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी मेडिकेशंस हैं, मेडिसिंस हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी आपको मेडिसिंस दी जाते हैं, जैसे कि टांके जो हैं जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे से हेल्दी आप फटाफट से हो जाए, आपको हीलिंग में, रिकवरी में काफी मदद करती हैं, तो इन दवाइयों का भी अच्छे से आप ध्यान रखिए लेने का। इसके अलावा दोस्तों, आरामदायक कपड़े पहनिएगा, जो भी आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कपड़े पहनने में, ये चाहे नाइटी हो सकता है, एक मैक्सी हो सकता है, या फिर एक पजामा टी शर्ट हो सकते हैं, या फिर एक सिंपल लॉन्ग टी शर्ट हो सकती है। सो जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उन्हीं तरीके के कपड़ों को पहनिए, और जिससे कि आराम से आप जल्दी से हील हो और आपको कपड़ों की या डिसकंफर्ट की चिंता ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, एक अच्छे से खूब सारे जो है बच्चों के बिछाने के लिए, बच्चों के नीचे जो कपड़े बिछा देते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, वो आप अपने पास में 2-3-4-5 जरूर रखिएगा। क्योंकि इनिशियली मैं कभी नहीं बोलती कि आपको इनिशियली टाइम से ही आपको बच्चे को पूरा टाइम डाइपर में रखना चाहिए, तो जिस वक्त आप अपने बच्चों को डाइपर में नहीं रख रहे हो सकता है कि उस टाइम पे सुसु पट्टी कर जाए। तो इसीलिए अगर आपके पास में 3-4 बिछौने जो है बिल्कुल आपके पास में रहेंगे तो आपको काफी जो है आराम मिल जाएगा, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, बार बार ये सब चीजें का दिक्कतें नहीं आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आप बहुत सारे बिछौने, बहुत सारे लंगोट अपने पास में रखिए, जिसे कि आप फटाफट से बच्चे का चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद ले सकते हैं इन सब चीजों के लिए तो ये और भी अच्छा है, बिकॉज इनिशियल फेज में अगर कोई आपको ऐसे हेल्प कर दे तो आपको बहुत ही आराम मिल जाता है। सो आई होप कि आपका जो डिलीवरी के बाद का पीरियड है, जो रिकवरी फेज है, जो हीलिंग फेज है, वो बहुत अच्छा हो और आप जल्दी से ही रिकवर कर जाए। आई नो ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, यू कैन गो थ्रू इट। जो सबसे ज्यादा हार्ड टाइम था डिलीवरी का, वो आपने ऑलरेडी जो है क्रॉस कर लिया
है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड जल्दी से आप रिकवर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. 1 महीने के बाद ना यू विल बी ग्रेटफुल कि आप इस फेज से पास हो गए हो, और अब आप अपने बच्चे के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और जिन भी लेडीज की डिलीवरी होने वाली है उनके साथ में आप इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर.